कहाँ गई? यहीं तो रखी थी, किसी ने जरूर मेरी अलमारी छुई है। कहाँ कर दिया मेरा सामान? नहीं मिले, आपकी सारी बोतलें फेंक दी मैंने। मेरी आंखों देखी, आपको ये जहर पीने नहीं दे सकती मैं। खाना खा लीजिए। बड़ी महान आत्मा बड़ी फिरती है, जहर पीने नहीं दूंगी। और वो प्रीत नाम की जहर लेके जो मेरे सामने दिन रात घूमती रहती है, वो जहर नहीं मैं पी रही हूं दिन रात? वो मनु ने प्रीत बता दीजिए सबको। जाइए बाहर और सबको बता दीजिए बेबे, पूरे गांव का बता दीजिए, मैंने आपको नहीं रोका। कम से कम आपको जहर तो नहीं पीना पड़ेगा। वो एक माँ को क्या चाहिए, वो एक बेटे से ज्यादा कौन जान सकता है? हाँ, विलायती है और लिवर पे काम असर पड़ता है इसका। बनाता हूं। ऐसे भी क्या है ना, तेरे बड़े बेटे ने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में जो मिला दिया पिंड के सामने, तो काम तो होगा ही। और काम गलत करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है? ये बात कोई समझता तो है नहीं। ले बॉटम आ। चाचा जी, मेरे पापा जी ने कुछ गलत नहीं किया है। और तो फिर बीच में पड़ गया, चला ना से यहां से। गलत पापा जी नहीं बल्कि आप हो, ये जानते हुए कि बीजी की तबीयत सही नहीं है, शराब उनके लिए खराब है, तो भी उन्हें पीने के लिए कह रहे हो, ये गलत ही तो हुआ। ओए, काटे घोर शब्द बोल, यही मार मार के तेरा कंडा बना देना, समझा? सामने मत आना, नहीं तो यही खत्म कर दूंगा। चल भाग। देख बेबे, देख तेरा बेटा हूं मैं, और मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। ले, कहा ना मैंने, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तेरी और ना इसकी। चले जाओ यहां से। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया, सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो मां बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।